डेली हेल्थ केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें आप जानते हैं ब्यूटी टिप्स, मेकअप टिप्स, आयुर्वेदिक नुस्खे और ड्रेसिंग टिप्स और भी अन्य जानकारियाँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वायरल फीवर को चुटकियों में कैसे दूर करती है रसोई की ये 6 चीजें। ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, मौसम में बदलाव आ गया है। सुबह और शाम ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। ऐसे में इस बदलते मौसम का सीधा असर लोगों की हेल्थ पर दिखता है। सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर इस मौसम में सामान्य रोग हो गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि जरा सी लापरवाही वायरल फीवर का कारण बन सकती है। इसके कारणों में खराब और दूषित खानपान, गंदगी, बारिश में भीगना, ठंड लगना और संक्रमण सबसे ज्यादा प्रचलित है। वैसे तो वायरल फीवर में डॉक्टर के सुझाव पर ही दवा लेनी चाहिए, लेकिन आप घरेलू चीजों से भी इस बुखार को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि फीवर आने पर शुरुआत में ही घरेलू नुस्खे अगर अपना लिए जाएं, तो बुखार पर शुरू में ही नियंत्रण पाया जा सकता है। आज हम आपको वायरल फीवर को दूर करने के लिए कुछ ऐसे ही टिप्स बता रहे हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो चीजें जो आसानी से आपकी रसोई में उपलब्ध होती हैं। अगर आपको अपने अंदर वायरल बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो गीली पट्टी को अपने सर पर लगाएं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक बुखार उतर न जाए। सितोप लादि का चूर्ण भी वायरल फीवर में बहुत असरदार होता है। यह शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बुखार को छूमंतर कर देता है। तुलसी की 10 से 15 पत्तियों को तोड़कर काली मिर्च के साथ पीसकर खाने से भी बुखार कम हो जाता है, साथ ही उल्टी, पेट दर्द से भी राहत मिलती है। नींबू, शहद, अदरक के रस को तुलसी के रस के साथ मिलाकर सुबह शाम लेने से सर्दी, खांसी और बुखार दूर हो जाता है। त्रिफला चूर्ण में ज्वर नाशक गुण होता है। इससे दस्त भी साफ होती है और बुखार भी कम होता है, इसलिए इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। खूब पानी पीने से भी वायरल फीवर नियंत्रित होता है। इसके अलावा नींबू, पुदीना, शहद और अजवाइन आदि भी पानी के साथ मिलाकर लेने से फायदा होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वायरल फीवर के लक्षण क्या होते हैं। वायरल संक्रमण कई प्रकार के वायरस से हो सकता है। वायरल फीवर में न सिर्फ मरीज उदास रहता है, बल्कि ये फीवर उसके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सिर दर्द, बहती नाक, उल्टी, दस्त, गले में सूजन, आवाज का बैठना, कमजोरी, खांसी, मांसपेशियों में दर्द और पेट में दर्द इसके सामान्य लक्षण हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन घरेलू नुस्खों से कुछ भी फायदा होता है तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।